क्या है? ऊपर जाने की चाबी भूल गए। पढ़ाई करना सिर्फ। ब्राइड टू बी का हैम्पर आ गया है मेरे प्यारे इंस्टाग्राम वालों की तरफ से। वाओ मी, अभी करेंगे अनबॉक्स। ठीक है, सूट से मेरा ये बटुआ 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 में लिखा है खालिद। मिसेस खालिद, तो क्या हुआ? ले रहेंगे, हमारा मैचिंग हो रहा है ना। खालिद तू लेगा नहीं? मिसेस खालिद मतलब खालिद की बीवी। हर एक को दुनिया में अपना अपना रहता है। अम्मी ये पसंद कर लूंगी। ठीक है चलो। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सभा के जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब एकदम ठीक है। और फ्रेंड्स, आज संडे है और आज है डेट है 16 अक्टूबर। फ्रेंड्स, इतना अच्छा सरप्राइज, इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। इसका बिल्कुल भी नहीं सोचा था, वरना हर बार इंस्टाग्राम से जब मुझे ये लोग सारे पेजेस वाले कुछ ना कुछ भेजते ना, तो बता देते सब हम आपके लिए ये भेज रहे। इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हम पूरा अनबॉक्स करेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे क्या क्या है, क्योंकि ब्राइड टू बी वाला हैम्पर देखने के लिए तो आप सब भी बेताब होगे। और मुझे भी ये वाला हैम्पर जो है अब तक के सारे हैम्पर से अम्मी ज्यादा स्पेशल है। ऊपर जा रही हूँ फ्रेंड्स वॉक के लिए। पढ़ रहे हो? 30 मिनट्स ही हुआ है फ्रेंड्स, अभी बंद करते हैं। 30 मिनट्स की वॉक हो गई है। आज तो बड़ा मन लग रहा है करते जाओ, लेकिन इंस्टाग्राम की एक स्टोरी शूट करना है, उसके लिए मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि वो भी अर्जेंट है, वो भी करना पड़ता है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। इंस्टाग्राम का काम भी कर लिया था, फिर इंस्टाग्राम की अनबॉक्सिंग स्टोरी भी करनी थी, वो भी कर रही। रिजा का एग्जाम चल रहा है ना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। सारी चीजें खुद ही उठाती हूँ, फिर तय लगाती हूँ, फिर डालती हूँ। तो ये था लॉस्ट इन क्लोजेट वालों की तरफ से आउटफिट आए थे, उसकी स्टोरी डाली। एक ये आया है बहुत ही प्यारा, एक ये आया है और एक ये आया है। अभी हम चलते हैं नीचे। हो गई पढ़ाई? टॉप मत कर देना कहीं तुम गलती से कर कि सबको शौक लग जाए। तीन गए और तुम्हारे चक्कर में तुम तो नहीं भूल गए? गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच। चलो, पता चला जितना उसको आता हो तुम्हारे लिए वो भी भूल गया। चलो, नाम तो बता दो अपना। अफान, यही रहते हो ना? अम्मी मैं जब गई थी तब आप मगरिब पढ़ रही थी, अब आई हो तो आप इशा पढ़ रही हो। अम्मी अभी तक मैं अपने पुराने फोन से शूट कर रही हूँ, आज मैं अपने नए फोन से शूट करने जा रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मिलना आपसे करेंगे। देखो रेहान का ये बॉटल नहीं है, बाटला है। ये मैं ले रही हूँ, नहीं दे रही। ये लाया किसके लिए था? पहले हम लोग आवा के लिए, नहीं पा रही उसलिए कुछ, और आवा भी नहीं पा रही। मुझे चाहिए। चलो, ये कहाँ से ली थी? ओवरऑल मॉल से, फिर दिला देंगे। लेकिन ये गलत, देखो उसने जानबूझ के मुंह लगा दिया। इतना चला के ना, उसको पता था कि रिजा को ना वो है ओसीडी टाइप के, मतलब झूठा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो उसने मुंह ही लगा दिया कि अब रिजा लेगी ही नहीं। और ऐसे बचपन में होता था जब किसी को अपना कुछ शेयर नहीं देना होता था, तो उसे झूठा कर दो, सामने वाला ले ही नहीं सकता। मैं सबसे पहले सलाम कर लो सबसे। अस्सलाम वालेकुम, छोटे बड़ों को सबको सलाम। ये हो गया नए फोन से शुरुआत। कैसा लगा अम्मी ये वाला? बहुत अच्छा, थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, आपका केएफसी। हाँ, तुम यहाँ जरूर ये वीडियो के सामने दिखाओगे केएफसी? अब इससे पहला वीडियो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ रेहान को ट्राई कराने के लिए केएफसी मंगाया था, क्योंकि हम लोगों ने पिछले ब्लॉग में खाया था। अम्मी ने बोला था ये मंगा दो, मैंने बस उसको बार बार बोला रेहान केएफसी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो उसने कहा मंगा दो। हाँ, वो पॉपकॉर्न, हाँ मैंने भी खाए थे। जैसे आप सबको पता है कि मैं सारी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ, तो मुझे ऑल इन वन स्टोर की तरफ से ये वॉल क्लॉक आई थी। इसमें देखो अरेबिक में लिखा है, अल्लाह लिखा है, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा देती हूँ। आजकल मैं काफी दिनों से फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अनबॉक्सिंग स्टोरी कर रही हूँ, क्योंकि सबकी हेल्प हो जाए इस टाइम पे। फ्रेंड्स, अम्मी खा रही है चटनी से रोटी, अम्मी ने बनाई है चटनी। हाय फ्रेंड्स, मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और मैं भी आपको ऐसे लुक में इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फेस की थोड़ी सी पैम्परिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि रोज रोज बाहर निकलना होता है ना, तो फेस पर टैनिंग हो जाती है, तो थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। तो मैं करूंगी स्क्रब, स्क्रब से जो डेड स्किन होती है, टैनिंग होती है, सब निकल जाता है। घर के बड़ों से सुना था कि चंदन जो होता है वो फेस पर बहुत अच्छे से ग्लो दे देता है। आयुर्वेदा की जो सारी चीजें होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए, बस थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। तो अगर आपको पुराने जमाने की जो सारे रिचुअल्स होते हैं, सारी जो चीजें होती है, अगर आपको मॉडर्न डे स्किन केयर रूटीन में मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो आयोगा ने फ्रेंड्स हमारा यही काम किया है कि हमारे जो पुरानी जो चीजें चली आ रही है उसको आज के जमाने के हिसाब से हमको बना के दिया है, जो हमें लगाना अप्लाई करना बहुत ज्यादा ईजी है। मैं यूज कर रही हूँ आयोगा का 2% चंदन फेस स्क्रब। ये हमारे स्किन से टैन को हटाएगा, डेड स्किन को हटाएगा, डीपली क्लीन करेगा हमारी स्किन को, ये हमारे पोर्स को भी अनक्लॉक करेगा,
स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और अच्छे से एक्सफोलिएट करके हमारे स्किन को एक ब्राइटन सा लुक देगा। उसके बाद हमेशा मास्क लगाना चाहिए, लेकिन मुझे भी भाभी के साथ जाना है शायद, तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर तो हमें लगाना ही लगाना है। आपको इस स्क्रब के बेनिफिट्स बताए जो कि बहुत ज्यादा अच्छे, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे। इसमें सैंडलवुड है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, और इसमें मुल्तानी मिट्टी भी जिसे फुलर्स अर्थ भी कहते हैं, और इसमें 26 अदर हर्ब्स भी हैं जो हमारे स्किन से पिगमेंटेशन को कम करेंगे और हमारे स्किन को इवन बनाएंगे। और अब मैं लगा रही हूँ 5% चंदन लाइट फेस मॉइस्चराइजर। ये स्किन पे बहुत ज्यादा लाइट है तो जिनको चिपचिप लगता है इसलिए वो मॉइस्चराइजर से दूर भागते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आयोगा के जो प्रोडक्ट्स है वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, साथ साथ उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि वो ओपनली डिस्क्लोज कर देते हैं जो कि उनका मेन कंसेंट्रेशन होता है ये प्रोडक्ट्स में, जैसे कि 2% चंदन फेस स्क्रब या 5% चंदन नाइट जेल। आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका या आयोगा की जो वेबसाइट है वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप आयोगा की वेबसाइट जो कि www.ayoga.in पर जाके लेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि है SABA20 फॉर 20% डिस्काउंट। प्रथम मैं जल्दी जल्दी मैंने सिंपल से सूट पहना है क्योंकि वहां पे ना बहुत ज्यादा थकान भी हो जाती है, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, तो मैंने बस यही कपड़े पहन लिए। चलते हैं, भाभी के लिए कैब आने वाली है। रास्ते में जाते जाते मैंने खाया बर्गर किंग का चिकन बर्गर, उसके बाद मैंने सोचा कुछ हेल्दी पीते हैं, तो ये सारी जो बेरीज होती है ना उसका मिक्स था, इसका नाम था बेरी ब्लास्ट। मार्केट पहुंच गए हैं, फिर मास्क लगाना थोड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग को थोड़ा इजी हो जाता है, बाकी तो हम लोग ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा जरूरी है क्योंकि काम बहुत जल्दी करना है। ऐसे मूड में आए कि आगे चलो हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। भाभी से बोला, भाभी मुझे वो झाड़ू जैसा चाहिए और मिल गया, तो ये ले लेते हैं। छोटे में चाहिए, बड़े में चाहिए? इसमें और पीसेस हैं, कलर्स भी है। दिखाइए, मुझे बहुत टाइम से चाहिए था ये। बहुत प्यारा लगता है मास्क में डाला हुआ। फ्रेंड्स, जब ये फ्लावर वालों ने शॉप शुरू की थी तो बस इनकी इतनी सी शॉप थी और आज देखो वो कहां से कहां पहुंच गए। शॉपिंग करते करते 8 बज चुका है, हम लोग टेस्टिंग भी करते जा रहे हैं, खरीदारी भी करते जा रहे हैं। चॉकलेट की शॉप पे अभिषेक ने कुछ ये मांगा, पता नहीं पॉकी ऐसा कुछ नाम था इसका। अभिषेक नई नई चीजें ट्राई कराता रहता है, तो ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, कोरियन चॉकलेट है ये, अच्छी थी। फिर हम आ गए सूटकेसेस की शॉप पे क्योंकि अब पैकिंग स्टार्ट करनी है और सूटकेसेस चाहिए थे, और यहाँ पे देखो इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है, लेकिन धर्म दादा और अभिषेक दोनों चॉकलेट भी खाते जा रहे हैं, डिस्कस भी करते जा रहे हैं। सीरियस बातें करते जा रहे, चॉकलेट खाते जा रहे। फाइनली सारी चीज़ें हो चुकी हैं, भूख लगाई थी, थक भी गए थे, तो वहाँ पे हम रेस्टोरेंट पे आ गए हैं, पाव भाजी ऑर्डर करी, पानी पूरी और दाल खिचड़ी, और बस उसके बाद निकल गए घर के लिए। कुछ नहीं लेके आए, बस दिन भर के सारे कामों के बाद हम लोग घर आ चुके हैं। और आपको पता है जब इतने दूर जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। पूरा डिटेल ब्लॉग आप देखिएगा भाभी की, उसमें कहाँ से लिया, क्या लिया, काफी इन्फॉर्मेटिव है। आपके यहाँ शादी होने वाली है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आके अपने घर पे चाय पी रही होगी, घर की चाय मुझे बहुत ज्यादा मन करता है, दिन भर कहीं भी चले जाओ मुझे घर का पसंद है चाय पीना। ये अनबॉक्स करना था, मैंने सोचा आप लोगों के सामने करूंगी लेकिन टाइम नहीं मिला, लेकिन इसी ब्लॉग में इंशाल्लाह कल करूंगी। हर जगह बुक्स दिख रही होगी, रिजल्ट होंगे, एग्जाम चल रहे हैं, कल उसका मैथ्स का एग्जाम है। कैसे जा रहे हैं एग्जाम? लास्ट बचा है परसों भी, लेकिन परसों इजी है, मतलब कल मैथ्स है, कल इसका एग्जाम है, करी रात भर पढ़ेगी, रात भर नहीं मतलब 4 बजे तक, 4 घंटे और हो जाएगा मेरा। अभी यही अनबॉक्स नहीं हुआ था फ्रेंड्स, और ये नए 2 पार्सल आ गए हैं, चूड़ियां है, उसमें भी फिर चूड़ियां ही होंगी। सुबह के 4 बजने वाले हैं, मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी और ये अब तक पढ़ रही है, मैं इससे बोल रही हूँ तुम एग्जाम में गिर जाओगी, जितना पढ़ा है सब निकल जाएगा, अब सो जाओ 2 मिनट के अंदर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये हैम्पर मैं आप सबके सामने ओपन करूंगी, इससे क्या होगा कि आपको भी हेल्प हो जाएगी कि अगर इस तरह की कोई चीज आपको चाहिए तो मैं पेज भी मेंशन करती जाऊंगी। और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये सारे लोग ना जब मेरे फॉलोअर्स बढ़ते थे यूट्यूब पे, मेरी फैमिली बढ़ती थी ना, तो मुझे हैम्पर भेजते थे। ऐसा टाइम आया है कि मेरी शादी के लिए उन्होंने अपने तरफ से इतना प्यारा सा सोचा, मुझे गिफ्ट भेजा, मुझे मतलब स्पेशल फील कराया, उसके लिए दिल से थैंक यू आप सबका। और को की तरफ से ये हार्ट आया है जिसमें हम दोनों का नाम लिखा है, थैंक यू सो मच। और साथ में ये मग भी है और इसमें ना फ्रेंड्स ये लिखा है खाले हाफ ऑफ हर दिन, और यहाँ लिखा है सबा। कहते हैं कि इस्लाम में शादी के बाद
जो होता है दोनों का दिन जो होता है वो मुकम्मल हो जाता है, तो पहले अधूरे अधूरे होते हैं, तो इसीलिए अब दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये हो गई सारी चीजें डेकोर को की तरफ से, और ये गिफ्ट रैपिंग और हैम्पर भी बनाते हैं फ्रेंड्स। अजवाद फ्रेम की तरफ से ये बुक है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है तोहफा है दुल्हन गिफ्ट टू ब्राइड। इसमें बहुत सारी अंदर चीजें लिखी है कि कैसे हस्बैंड वाइफ को रहना चाहिए, कैसे सारे इसमें स्टोरीज लिखी है और एडवाइजेस है बहुत सारी अच्छी अच्छी। जिम कलेक्शन की तरफ से फ्रेंड्स ये जूतियां हैं एकदम अच्छी सी शाइन वाली, कोई शादी या फंक्शन में पहनने के लिए। नाज फ्रेग्रेंसी की ये खासियत है कि वो अल्कोहल फ्री परफ्यूम और इतर बनाते हैं, जिसे नमाज भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा दो मुंह के पास से कौन करता है ये? हमेशा जब भी आप जाते हो परफ्यूम लेने क्या करते हैं, लगा के फिर ऐसे ऐसे हाथ करके फिर सूंघते हैं। अच्छा थैंक यू सो मच नाज फ्रेग्रेंसेस, ये सेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेकअप की वैनिटी आई और अभी वो देखो चूड़ी का बॉक्स आया है हमें निदा बॉसी ब्यूटी की तरफ से, इनका कार्ड में अभी आपको दिखा देती हूँ। ताला लगा है, चाबी इस बार इजीली खुल गया। ये है इनका इंस्टाग्राम, इनका पेज चूड़ी बॉक्स, ये सबसे काम का रहता है। हाँ। ना आराम से रख दो, दिखती है दिखती है। टेम्पटिंग डेजर्ट्स की तरफ से पूरा चॉकलेट का हैम्पर आया, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, लेकिन अभी मैं मीठा थोड़ा कम खा रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा चख के आपको बताऊंगी कैसा है बाद में। बाकी रिजा रेहान खाएंगे, ये अनबॉक्स नहीं हुआ था अभी, दूसरे पार्सल आ गए। और ये पीछे भी फ्रेंड्स रखे हैं, यहाँ पे भी रखे हैं, बहुत सारे पार्सल अनबॉक्स करना है लेकिन बहुत कम टाइम बचा है, तो अभी जितना होता है हम जल्दी कर देंगे। बस अब एक दो दिन में मैं सारे नए लेना बंद कर दूंगी फ्रेंड्स, जितना मुझसे हुआ मैंने सबकी स्टोरी करी और मैंने सबकी चीजें ली, अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा रेस्ट करते हैं। ये तो सरप्राइज है, चॉकलेट में लिखा है, अच्छा सजा के दिया है ना, थैंक यू। ब्राउनीज है अम्मी, फ्रेंड्स आप लोग सब इतना स्पेशल फील करा रहे हो, मतलब ब्राउनी में ये सब लिखा होगा मैंने सोचा नहीं था। इसमें लिखा है खालिद की दुल्हन सभा, थैंक यू। खालिद को खींच के भेज दो। हाँ अभी सनी को दिखाएंगे, मैंने उसको बताया था हैम्पर आया तो कह रहा मेरे लिए क्या है, कह रहा मेरा सारा सामान ले आओ। मैंने कहा तुम्हारे लायक तो कुछ नहीं है लेकिन तुम्हारी सभा के लिए आया है, सभा खुश तो तुम खुश। हाँ, तो मैंने कहा मैं तुम्हें ब्लैंकेट दे दूंगी। हाँ, सही है। तो थैंक यू सो मच टेम्पटिंग डेजर्ट्स फ्रेंड्स, आपको इस तरह का कोई हैम्पर चाहिए, कस्टमाइजेशन में चाहिए, किसी को गिफ्ट करना है तो ये बहुत अच्छा है। काम एंड क्विल्ट की तरफ से ये आया, ये क्या है अम्मी? जयपुरी रजाई, जयपुरी नहीं है। हाँ, ऐसी होती है ना, मतलब हाँ मतलब वैसे ही हुआ। क्या लिखा है इसमें भी? इसमें नहीं लिखा नाम, क्या है? अम्मी ढूंढ रही है कि इसमें भी तो कहीं हम लोग का नाम नहीं लिखा, ये नॉर्मल कुछ लिखा है, आप ले लो ये। नहीं ये उल्टी। हाँ। नहीं तुम ही लोग ढूंढ। हाँ। ऑर्गेनिक एसेंशियल की तरफ से फ्रेंड्स ये ब्राइडल इंस्टेंट फेशियल है, नरिशिंग ऑयल है, बॉडी लोशन है आई थिंक, और ये लिप एंड चीक टिंट है। थैंक यू सो मच ऑर्गेनिक एसेंशियल। ये सूट आया है शॉप टिल यू ड्रॉप की तरफ से, थैंक यू सो मच शॉप टिल यू ड्रॉप, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा सूट है। जी पैकिंग में साथ में फ्लावर आया है तो अम्मी कह रही है इसे कोई फ्लावर पॉट में लगा देना, अच्छा लग रहा है। हाँ। पर्सनलाइज गिफ्ट सेंटर की तरफ से बहुत ही स्पेशल सा गिफ्ट, ये कस्टमाइज क्लच और ये निकाह दुपट्टा, अम्मी की तो जान इसी पे अटकी हुई है, आपको ऐसे बनवा दे क्या? अंगूठी का भी काम कर रहा है ये निकाह दुपट्टा, स्पेशल खालिद की दुल्हन, चारों तरफ खालिद खालिद दिख रहा है, दिख रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है, कबूल है लिखा है, कबूल है। हाँ बहुत खुशी की बात, कैसे आएगा ये? सो मच पर्सनलाइज गिफ्ट सेंटर। वाहिद एथनिक कलेक्शन की तरफ से फ्रेंड्स ये वाला आउटफिट है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये इसका कुर्ता है फ्रेंड्स, ये इसका दुपट्टा है और ये इसका अस्तर और बॉटम का कपड़ा है। थैंक यू सो मच वाहिद एथनिक कलेक्शन। इसी आज का लास्ट पार्सल खोलते हैं, बाकी मैंने क्या इन दिनों में शॉपिंग करी और ये पीछे क्या पार्सल आए और क्या आने वाले हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। पिटारा जंक्शन की तरफ से आए, वाओ पैकिंग देखिए आप, दो स्क्रंचीज है, ओ वाओ पोटली अम्मी अच्छी है, अम्मी का मैचिंग सूट है ऐसा। ये एक सारा की और एक रेजा की, थैंक यू सो मच पिटारा जंक्शन। कल ही अम्मी ने पूरा अपना रेडी करवा के सिलवाया है और ये देखो एकदम इसके साथ, कभी कभी ऐसा मतलब इसे कुछ बना के चीज वो मिलती है, देखो ना कुछ भी फर्क नहीं है ये। हाँ। देखो
ये देखो। थैंक यू फ्रेंड्स, कल हम गए थे ना भाभी के साथ वो प्रॉफिट मार्केट, वहाँ एक फ्लावर की शॉप थी, वहाँ पे मुझे ये मिला। ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था वास में डालने के लिए फ्रेंड्स। वहाँ पे सच में बहुत ही ज्यादा सस्ती है चीजें, बहुत ज्यादा। तो हमने ऊपर के घर के लिए एक पॉट में डालने के लिए फ्लावर्स भी, ये दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और उसके साथ कुछ गोल्ड का एड कर दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गोल्ड में है फ्रेंड्स। अभी मैंने मंगाई है बाहर से पानी पूरी और हम लोग बैठ के खा रहे हैं। अच्छी है। आपको YouTube में अनबॉक्सिंग दिखाई ना, वो सब कुछ Instagram पे फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि Instagram के लिए वो मेन काम होता है। YouTube पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे शेयर करने के लिए दिखा देती हूँ। और इनकी पढ़ाई में ये लोग इस बार बहुत ज्यादा बिजी है। वी डिजाइन बाय साहिबा खान की तरफ से फ्रेंड्स, ये बड़ा ही क्यूट सा आउटफिट आया है। ये इसका टॉप है और इसके पैंट्स है, तो ये भी आया था तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। थैंक यू साहिबा। बेड के साइड में ना ये वाला रखा हुआ था। रूम बहुत सिंपल सिंपल है ना, तो उसमें ये भी बहुत सिंपल डल सा लग रहा था, तो ये हम कहीं और रख देंगे। ये पॉट ऑलरेडी हमारे पास रखा हुआ था, आइकिया से लिया था और हमने उसके लिए फ्लावर्स ये वाले ले लिए हैं। लाइट्स भी दिख रही थी और आपको पता है कि मुझे लाइट्स कितनी ज्यादा पसंद है, तो हम इसमें एक लाइट लगा के ट्राई करेंगे कि कैसा लुक आता है। ये वाले जो है ना वो हम इसमें डालेंगे। ये सच में झाड़ू की तरह झड़ रहा है, जैसे नया झाड़ू झड़ता है ना फ्रेंड। ये तो पिंक है यार। ये क्यों? आई नीड येलो। ये देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक, अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा है ना, कॉर्नर टाइप का। अच्छा ऐसा लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा तमन्ना थी और जैसे मैंने चाहा था ये वैसे ही लग रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। सॉरी प्रॉपर ब्लॉग नहीं बन पा रहा है सुबह से शाम तक का पूरा रूटीन, क्योंकि आपको पता है कि कभी इधर जाना कभी इधर जाना, इंस्टाग्राम के पेंडिंग काम करना, बहुत सारी चीजें हो जाती है, फिर मार्केट जाना, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। इनके भी एग्जाम चल रहे थे, कल खत्म हो जाएंगे, फिर मस्ती मस्ती और फिर बाकी इन लोगों की तैयारी, क्योंकि ये लोग कैसे अपना दिल अंदर दबा के बैठे हैं कि मार्केट नहीं जाने मिलता, आजाद होंगे। पूरे 10 दिन घर में ही नहीं रहेंगे। अभी हम चलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू।